Hello friends, my name is Shreya and you are watching channel Study with Shreya. तो आज मैं आपको मैथ्स सिखाऊंगी और आज की वीडियो में मैं आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सब सिखाऊंगी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन। तो आज की वीडियो जो है वो छोटे बच्चों से टू इनफैक्ट थर्ड के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एडिशन सिखाऊंगी। मान लीजिए मैंने ये नंबर लिया है 4 + 3। पहले मैं इजी ले रही हूं जिसमें क्या गिना जाए। तो 4 + 3 = 7। तो चलिए मैं आपको इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट सिखाती हूँ जिसमें कैरी भी जाए। तो ये है, जैसे मैंने ले लिया 29 + 13। तो पहले हम वन्स प्लेस का एडिशन करेंगे यानी 9 + 3। तो 9 + 3 12 हो जाएगा, ये 10 से ज्यादा है। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और 1 कैरी 2 के ऊपर। तो अब हम 2 + 1 करेंगे। 2 + 1 = 3 होता है और 1 हमारी कैरी थी, तो 3 + 1 = 4 और हम यहाँ 4 लिख देंगे। तो इसका आंसर आ गया 42। तो चलिए मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। तो जैसे कि मैंने नंबर लिया है 9 - 4, तो 9 - 4 = 5। तो इसका आंसर आ गया 5। मान लीजिए मैंने ये 2 डिजिट का नंबर लिया है, तो अब हम पहले वन स्पेस का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जो 2 है वो 9 से छोटा नंबर है, तो हम इसे बोरो लेंगे। तो 7 जब 2 को बोरो देगा तो 2 और इसके आगे 1 लग जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा। और ये जो 7 है जब इसने 2 को एक बोरो दिया तो ये 6 रह जाएगा। तो 12 - 9 = 3 और ये 6 था, तो 6 - 3 = 3 होता है। तो इसका आंसर आ गया 33। तो एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये नंबर ले लिया 932 - 367 करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 तो 7 से छोटा है तो ये माइनस नहीं होगा 7। अब 3 2 को एक बोरो देगा तो ये जो 2 है वो 12 बन जाएगा और ये 3 2 रह जाएगा क्योंकि इसने 2 को एक बोरो दिया। तो अब हम 12 - 7 करेंगे, तो 12 - 7 = 5 हो गया और यहाँ पे 2 है तो 2 में से 6 तो माइनस होगा नहीं और 9 इस 2 को एक बोरो देगा, तो यहाँ इसके आगे 1 लग जाएगा और ये जो 2 था ये भी 12 बन जाएगा। तो अब हम और ये जो 9 है ये 8 रह जाएगा। तो अब हम 12 - 6 करेंगे, 12 - 6 = 6 हो जाएगा और 8 रह गया था, तो
तो पहले हम करेंगे इससे हमें थ्री फोर जा करना है, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है, तो हम यहां ट्वेल्व लिख देंगे, तो यानी फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व। तो चलिए मैं आपको इससे थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूं। तो अब हमें क्या करना होगा, जब ऊपर दो नंबर रहते हैं तो पहले हम एक ही नंबर पर करते हैं, जैसे थ्री थ्री जा नाइन और फिर थ्री टू जा सिक्स, तो हम यहां सिक्स लिख देंगे और इसका आंसर आ गया सिक्सटी नाइन। ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री इज इक्वल टू सिक्सटी नाइन। तो चलिए मैं आपको इससे डिफिकल्ट लेकर दिखाती हूं। तो ये है 27 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो जब भी हम यहाँ पे दो नंबर ना करते हैं तो हमेशा हम वंस प्लेस से शुरू करते हैं, यानी इकाई से करते हैं। तो पहले हम 37 का करेंगे, तो 37 का 21 हम 1 लिख देंगे और यहाँ हमारी 2 कैरी चली गई। अब हम 32 का करेंगे, तो 32 का 6 होता है और हम कैरी को ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, हम यहाँ 8 लिख देंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम यहाँ पे दहाई वाले नंबर का शुरू करते हैं तो हम जस्ट इसके नीचे वो नंबर नहीं लिखते, हम यहाँ पे एक जगह खाली छोड़ के यहाँ से लिखते हैं। तो जैसे कि अब हम 17 का करेंगे, तो हम 7 को इधर लिखेंगे और फिर 1 2 सा 2, तो अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा। तो 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 यहां उतार लेंगे और 8 प्लस 7 15 होता है, हम 5 लिख लेंगे और 1 हमारी कैरी चली गई। और यहां 2 के ऊपर कोई नंबर नहीं था पर अब कैरी आ गई है 1, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और हम यहां 3 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ गया 351। 27 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल टू 351। तो चलिए मैं आपको डिवीजन करके दिखाती हूं। मान लीजिए मैंने नंबर लिया है 12 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो अब हम 3 के टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 3 4 जा 12। अब हम 12 में से 12 को माइनस करेंगे, तो ये 2 में से 2 माइनस किया 0 और 1 में से माइनस किया 0, तो इसका आंसर आ गया 4। तो अब मैं आपको थोड़ा इससे बड़ा करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने ये नंबर ले लिया 83 को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो अब हम 7 की टेबल पढ़ेंगे कि 83 आ जाए, लेकिन 7 टेंस का तो 70 ही होता है तो ये 83 नहीं आएगा, तो हम केवल 1 डिजिट का ही इसमें डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7 और इसको हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसमें 1 आया है क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हमें देखना होता है कि अगर वो नंबर आ रहा है उसके बराबर आ जाए तो टेबल में, या फिर उससे थोड़ा सा कम आ जाए, ज्यादा ना आने पाए। तो जैसे कि यहाँ पर 7 1 7 हो गया और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम 3 को इधर उतार लेंगे और अब हम 7 की टेबल पढ़ेंगे कि 13 आ जाए, तो फ्रेंड्स 13 तो नहीं आएगा लेकिन उससे कम आएगा, तो 7 1 7 और 7 2 14 हो जाएगा, तो 14 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम केवल इसका 1 तक ही पढ़ेंगे, तो 7 1 7
सेवन। अब हम इसको माइनस करेंगे तो थर्टीन, और अब हम सेवन माइनस करेंगे तो थ्री में से सेवन नहीं जाएगा, हम इसको ये वन इसको एक बारो देना तो थर्टीन जो है ये थ्री जो है ये थर्टीन बन जाएगा और ये वन जीरो रह जाएगा। तो अब हम थर्टीन में से सेवन माइनस करेंगे, थर्टीन में से सेवन माइनस करेंगे तो सिक्स आ जाएगा और ये जीरो यहाँ पे उतर जाएगा। और जैसे ये तो मैंने छोटे बच्चों के लिए बताया क्योंकि जो मैंने सब्ट्रैक्शन बताया था वो मैंने इसी तरह से बोरोइंग बताया था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि थर्टीन माइनस सेवन है तो जब हम सीधा थर्टीन में से सेवन माइनस करेंगे तो भी सिक्स ही आंसर आएगा। तो ये जो सिक्स है अब ये हमारा शेष बच गया यानी रिमाइंडर बन गया। तो फ्रेंड्स मैं आज अपनी वीडियो यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।